हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू पराठा रेसिपी। आइए देखते हैं आलू पराठा रेसिपी कैसे बनती है। आलू पराठा बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए धनिया। यहाँ पे हमने हरा धनिया लिया है और लिए है हरी मिर्च, अदरक और साथ ही में लिया है लहसुन और सौंफ और जीरा, जिसको हमने तवे पे हल्का हल्का भून लिया है। और अब इन सब चीज़ों को हम मिक्सी में इसकी चटनी बना लेंगे। इसका ये पेस्ट तैयार हो गया है और यहाँ पे हमने मैश किया हुआ आलू लिया है। अब इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और अगर आपने गाइस मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और हम आपके लिए यहाँ पे हर एक दो दिन में यहाँ पे हम वीडियो लाते रहते हैं। और यहाँ पे हमने लिया हींग और नमक टेस्ट अनुसार डाला है यहाँ पे। और ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। डो को तैयार करने के बाद हमने यहाँ पे आटे की छोटी सी रोटी बना ली है। और इसमें हम इसके अंदर हम भरेंगे आलू का डो रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से बंद करेंगे। इसमें लगाएंगे, इसको हल्के हाथों से बेलना है ताकि ये आलू निकले ना इससे। और इसको तवे पे सेंक लेंगे ऑयल लगा के अच्छे से। अक्सर आलू के पराठे सर्दियों में सबको ही पसंद होते हैं, तो आप एक बार मेरे तरीके से आलू का पराठा बना के ज़रूर ट्राई करें। ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आलू का पराठा रेसिपी कैसी लगी। और आप इस तरीके से आलू का पराठा किसी भी त्यौहार पर भी बना के ट्राई कर सकते हैं। आप सुबह सुबह टिफ़िन में भी ये पराठा ले जा सकते हैं, आपको काफ़ी पसंद आएगा। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हमारे आलू के पराठे तैयार हो गए हैं बन के। आप इसको सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और यहाँ पे हमने आलू के पराठा के साथ बनाई है टमाटर की हरी चटनी। पूरी अच्छी से।